देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 9 दिसंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 67 नए मामले, कोई भी मौत नहीं, 22 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 417 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 574 नए मामले सामने आए हैं, 568 रिकवरी हुई है, 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7576 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 22 नए कोविड 19 मामले, 20 रिकवरी, 2 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 350 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 29 नए कोरोना के मामले, 14 रिकवरी, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 223 है। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 205 नए मामले सामने हैं, 185 रिकवरी हुई है, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 3871 है। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के 134 नए मामले सामने हैं, 158 रिकवरी हुई है, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2541 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 703 नए मामले सामने आए हैं, 728 मरीज ठीक हुए हैं, 11 लोगों की मौत दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 7946 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना के मामले, 14 रिकवरी दर्ज की गई, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 192 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 710 नए मामले सामने आए हैं, 731 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 7982 हैं। नंबर 10, पौंडीचेरी में आज 23 नए कोरोना के मामले आए हैं, 22 रिकवरी दर्ज की गई हैं और कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 230 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 28 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं, सक्रिय मामले 441 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 181 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 176 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2011 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 24 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 236 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 5038 नए मामले सामने आए हैं, 4039 रिकवरी हुई है, 112 मौतें हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 41615 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, 13 ठीक हुए, सक्रिय मामले 140 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, 23 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 129 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने हैं, 71 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 722 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने हैं, दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 325 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं, 3 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 36 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 255 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 264 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1931 है। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 94 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 893 नए मामले सामने हैं, 1040 रिकवरी हुई है, 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 9964 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 10 नए मामले सामने हैं, 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले की कुल संख्या 139 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 65 नए कोरोना वायरस के मामले हैं, 36 रिकवरी हुई है, कोरोना से 1 मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 404 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने हैं, दौरान 5 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 29 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने हैं, दौरान 27 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 341 है। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 151 नए कोरोना के मामले हैं, 111 रिकवरी हुई हैं, 2 मौतें दर्ज की गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1639 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 240 है। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 320 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 309 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 3049 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।